हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो और एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में जो बजट गेमर्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। पहला तो है आपका इंटेल का i3 12th gen लॉन्च होने वाला है एंड RTX 3050 के बारे में भी काफ़ी टाइम बाद बड़ी भयंकर न्यूज़ आ रखी है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी टाइम से कोई बजट CPU नहीं आया है। Ryzen 5000 सीरीज में भी कोई आपको Ryzen 3 देखने को नहीं मिला था और जो CPUs थे भी वो आपको आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिल रहे थे, जैसे 3100 हो गया, 3300X हो गया और या फिर 12th जन इंटेल i3 हो गया। इनमें से कोई भी CPU आपका अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब कुछ टाइम बाद आपका इंटेल का 12th जन i3 12100 लॉन्च होने वाला है। अब जो आपका i3 12100 आने वाला है उसमें आपको 4 कोर्स यानी 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे और सारे ही कोर्स आपके परफॉर्मेंस वाले कोर्स होंगे, कोई भी एफिशिएंसी कोर्स वाला जहां आपको इस वाले CPU में देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो आपका CPU आने वाला है ये आपका Ryzen 3 3100 एंड Ryzen 3 3300X से दोनों से आपका बेटर है और वो भी आपका दोनों सिनेरियो में, चाहे आप सिंगल कोर की बात करो या फिर आप मल्टी कोर की बात करो, दोनों सिनेरियो में ये वाला i3 आपका दोनों Ryzen 3 से बेटर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी टर्बो क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको 4.3 GHz तक की देखने को मिल सकती है। 12 MB की इसमें आपको कैश मेमोरी देखने को मिलेगी और अगर हम इसकी TDP की बात करें तो इसकी TDP भी आपको 65 वॉट की देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में CPU में आपको इंटेल का न्यू IGPU भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको एक तुरंत ग्राफिक कार्ड खरीदने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इस वाले CPU की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आपकी 10,000 के आसपास ही हो तो बढ़िया है। ओवरऑल i3 12th gen 1200 आपको काफ़ी बढ़िया CPU देखने को मिल जाता है, जिसको आप GTX 1650 Super, इंटेल का जो न्यू बजट आर्क GPU आ रहा है उसके साथ, या फिर अपकमिंग AMD का RX 6500, या फिर अपकमिंग RTX 3050 एंड 3050 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो और एक बेस्ट बजट गेमिंग कॉम्बो बना सकते हो। तो जब अब हमने RTX 3050 का नाम ले ही लिया है तो उसकी जो न्यूज़ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो Nvidia का RTX 3050 था वो हमको लग रहा था कि 4 GB VRAM के साथ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। Nvidia ने बोला 4 GB तो छोटी बात है, हम इसमें आपको 8 GB VRAM देंगे। इसीलिए आपको RTX 3050 जैसे GPU में 8 GB की GDDR6 वाली VRAM देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा है एक बजट GPU के हिसाब से। जब 3050 में इतनी VRAM है तो पता नहीं 3050 Ti में कितनी होगी। एंड हो सकता है कि ये जो आपका RTX 3050 है ये आपका 27 जनवरी को लॉन्च हो जाए, हाँ इसी जनवरी को जो अभी आने वाला है, और जो इसकी प्राइस है हो सकता है कि ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको 20,000 के आसपास में देखने को मिल जाए, अगर प्राइस आपकी इसकी ज़्यादा हाइक ना हुई तो। एंड ओवरऑल ये वाला ग्राफिक कार्ड भी आपको काफ़ी भयंकर देखने को मिल सकता है। अब जब इसमें आपको 8 GB की VRAM देखने को मिलेगी तो रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी, लैपटॉप वाले RTX 3050 से तो बढ़िया ही होगी। तो भैया इसलिए बोल रहा हूँ वेट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि भयंकर हार्डवेयर आने वाले हैं अगले साल और जो उनकी प्राइस है वो आपकी कम भी हो सकती है और वो थोड़ा थोड़ा होने भी लग गया है। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लो अपना PC बिल्ड करने से पहले, ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। तो ये थी दो एक्साइटिंग न्यूज़ बजट गेमर्स के लिए। तो इसी बात में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में उस बेल आइकन को भी जोर दबाएं। एंड अगर आप अमेज़न से कुछ बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़न का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।